जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसा भोजन शामिल करना चाहिए जिससे आपको पूरे दिन भर एनर्जी मिले, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना रहे, कार्बोहाइड्रेट आपके भोजन में होना चाहिए। इन सारी चीजों से आपको पूरे दिन भर एनर्जी मिलती है, साथ ही शिशु तक पहुंचने वाले जरूरी पोषक तत्व तो भी आपके शरीर में होते हैं। तो जानते हैं ये चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर वन, आपको हमेशा रात को सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स भिगा कर रखने चाहिए। क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था के दौरान महिला को ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने का सही तरीका होता है उन्हें रात को भिगो देना। जब आप ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगोते हैं तो उसमें जरूरी जो न्यूट्रिशंस हैं वो आ जाते हैं। तो रात को भिगाकर सुबह मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। नंबर टू, अंकुरित दालें या अंकुरित अनाज। क्या आप जानते हैं अगर आप गर्भावस्था में मॉर्निंग में भीगी हुई मूंग की दाल या चना भीगा हुआ इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। गर्भवती महिला के शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो इसके लिए उन्हें मूंग की दालों का सेवन कर सकते हैं। इन चीजों से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी और इन चीजों की मदद से ही शिशु के शारीरिक विकास में कमी नहीं आती और शिशु के मानसिक विकास में कमी नहीं आती। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें, इससे बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। नंबर थ्री, फल तथा सब्जियां। मौसम में मिलने वाले फल तथा सब्जियों का सेवन गर्भावस्था के दौरान महिला को जरूर करना चाहिए, खास तौर पे मॉर्निंग में। रंग बिरंगे फल और सब्जियों का सेवन करने से उनमें मौजूद पोषक तत्व आपको मिलते हैं जिनका फायदा शिशु के विकास में होता है। नंबर फोर, नारियल पानी। क्या आप जानते हैं गर्भवती महिला को नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। नारियल पानी अपने में एक सुपर फूड माना जाता है। इसका सेवन करने से महिला के शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होती, साथ ही पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होती। अगर आप रोजाना एक नारियल पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती और जरूरी पोषक तत्व शिशु तक पहुंचते हैं और इसकी वजह से भी शिशु की जो स्किन है, शिशु की जो त्वचा है वो चमकदार बनने में मदद मिलती है। तो आप नारियल या कच्चे नारियल, सूखे नारियल का सेवन कर सकते हैं या आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। इससे शिशु की त्वचा अच्छी होती है। साथ ही संतरा, संतरे में विटामिन सी होने के साथ साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो गर्भ अवस्था के दौरान ऑरेंज का सेवन भी आप कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनका सेवन आप मॉर्निंग में उठकर कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शिशु का शारीरिक विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है, साथ ही शिशु की जो स्किन है वो चमकदार होती है। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कोई भी सवाल या सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। इसी के साथ फेसबुक या यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।